राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर रेडियो पत्रिका बाल प्रभा। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वार्थी दानव। दोपहर के समय विद्यालय से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था, जहां तहां क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे, जिनमें गर्मियों में गुलाबी और सफेद फूल खिलते थे। कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते। एक बार दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहां कुछ समय बिताने के बाद वो घर लौटा। जैसे ही वो अपने बगीचे में घुसा, उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों ने उसकी भयानक आवाज सुनी तो भाग खड़े हुए। ये बगीचा मेरा है, कोई और इसमें नहीं घुस सकता। मैं स्वयं इसमें रहूंगा और स्वयं ही इसके फल खाऊंगा, दानव ने चिल्ला कर कहा। उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चार दीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी। उस तख्ती पर लिखा था, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब वे धूल भरे सड़क पर खेलते। कहां बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा और पेड़ों की ठंडी छाया, और कहां धूल भरी गरम सड़क। वे सोचते, बगीचे में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। वसंत ऋतु आई। पेड़ों में नई कोंपली निकली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ ठूठ से खड़े रहे। ना उनमें नई कोंपली निकली और न बगीचे में कोई फूल ही खिला। नरम नरम हरी घास भी सूख कर पीली पड़ गई।
कोई पक्षी उस बगीचे में नहीं चहका। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रहीं। दानव मन ही मन सोचता रहा, कब ये सर्दी समाप्त होगी और कब वसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में वसंत को न आना था न आया। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वो तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसे स्वर्ग के संगीत जैसा लगा। ओह, तो आ गया वसंत। वो अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। बगीचे की चार दीवारी में एक सुराख हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे। और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपले निकल आई थी और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बगीचे में एक मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वो पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक उसे छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ डालियों तक न पहुंच पाते। दानव ने जैसे ही ये दृश्य देखा उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं। मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसीलिए मेरे यहां वसंत नहीं आया। मैं ये दीवार तोड़ दूंगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने दूंगा। दानव धीरे से आया और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया। उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और तुरंत उनमें कलियां चटकने लगी।
पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपने दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे लिपट गया, मानो वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो बगीचे के भीतर आ गए और उसके आसपास कूदने लगे। उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बगीचे में आ गया। दानव ने कुदाल उठाई और चार दीवारी तोड़ने लगा। दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह ही बहुत सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने ये देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों की हंसी और कहकहों से सारा बगीचा गूंज रहा है। उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज दानव की है। स्वार्थी दानव। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे। आलेख ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सेल्फिश जायंट का हिंदी रूपांतर। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार सुचित्रा गुप्ता। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।